हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम भी अच्छे हैं। आप सभी को मेरे न्यू फ्रेश वीडियो पर स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं अभी अपना रूम में हूँ। तो मैं अभी दिवाली से पहले घर की सफाई होना जरूरी है, तो इसीलिए मैं घर की सफाई कर रही हूँ और जितना भी जाल वगैरह है सब कुछ अभी हटा रही हूँ। तो चलिए अभी सफाई करते हैं, पहले रूम से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको इसलिए बांध रही हूँ, डस्ट वगैरह होगा तो नाक में नहीं घुसेगा और हेड भी ख़राब नहीं होगा, इसीलिए बांध दे रही हूँ मैं इसको। तो चलिए जल्दी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा था क्योंकि बहुत दिन हो गया, वहाँ पर हम जाल वगैरह नहीं हटाए थे। और अभी फैन की भी सफाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा रूम की सफाई हो चुका है और कितना सारा गंदा निकला है दिखाते हैं आप लोग। ये सब गंदा निकला है रेक के ऊपर से और फैन से, इतना सारा गंदा। पूरा घर की सफाई हो गई है, मतलब ऊपर फ्लोर की सब कुछ जालूल हटा लिए हैं। अब झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने से कितना सारा गंदा निकलेगा। अभी ये सब गंदा निकालते हैं, फिर खाना बनाना है। 10:30 हो गया है। ओहो, लाइन कट गया। तो मेरा झाड़ू हो चुका है और मैं अभी नीचे जा रही हूँ और नीचे में मम्मी लोग धो रहे हैं, जा रहे हैं उनका हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी खाना बनाते हैं और क्या क्या खाना में बन रहा है आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका है और मैं खाना बनाते टाइम इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि घर धो रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाना बनाए हम, तो इसलिए नहीं दिखाए आप लोगों को। और हम लोग का लंच भी हो गया, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम नहीं किए हैं, सिर्फ बाकी सब कर लिए हैं। तो क्या क्या बना था, क्या क्या बनाया था, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है लंच प्लेट आज का मेरा। हम कर लिए हैं लंच और लंच आने के बाद हम ऊपर आ गए हैं और अब स्कूल से आता होगा और इसलिए हम बैठे हैं, आज सोए नहीं हैं। 2 बजे आएगा, 2 बजने वाला है और घर में कोई है नहीं, तो उसको लाने मेरे को ही जाना पड़ेगा गेट तक। तो चलिए अभी और क्या करें, कपड़ा उठा लेते हैं तब तक और उसके बाद फोल्ड वोल्ड करके रख लेते हैं, 10 मिनट टाइम है आने में। घर का हो गया सफाई, अभी बाहर का हो रहा है, पेड़ सब काट रहे हैं। अभी शाम का टाइम है और मैं नाश्ता में बनाने वाली हूँ पकौड़ी, तो ये बंदा गोभी का पकौड़ी बनाएंगे, तो इसको हम काट लिए हैं पतला पतला। और अभी ये बेसन भी लाए हैं, बेसन देंगे यहाँ पर और थोड़ा सा अदरक मिर्चा और लहसुन पीस के रखे हैं, उसको यहाँ पर डालेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा भी ऐड किए हैं और उसको भी पीस लिए हैं, हल्का पीसे हैं। और नमक और हल्दी पाउडर दे के इसको पानी दे के मिला लेंगे। इसमें एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे और ये बन चुका है, देख सकते हैं। तो इसमें हम एक कढ़ाई ले लिए हैं और कढ़ाई में तेल डाल के उसका गरम कर रहे हैं। तो ये तेल गरम हो चुका था और उसके बाद हम यहाँ पर पकौड़ी छानना स्टार्ट कर दिए। तो ये देखिए, एक साइड हो गया है, एक साइड नहीं हुआ है। तो चलिए जल्दी फटाफट बना लेते हैं और नाश्ता करते हैं, गर्मा गर्म पकौड़ी। तो ये बनकर रेडी है, तो इसको अभी निकाल लेते हैं। तो इसमें हम बंधा गोभी का ही पकौड़ी बना रहे हैं, प्याज का नहीं बनाए हैं। आप लोग किससे पकौड़ी बनाते हैं कमेंट कीजिएगा। और फिर से हम और एक बार डाल रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा लोग हैं हम लोग का घर में, तो ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं फटाफट और खा लेते हैं। मेरा सब पकौड़ी बन चुका है, तो चलिए अभी खा लेते हैं। सब फ्रेंड्स, अभी इवनिंग के बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ अभी नीचे, उसके बाद हम थोड़ा सा टेलर जाएंगे और पूरा तेल दे दिए हैं, तो मेरा बाल पूरा चिपक गया है, कल धोएंगे बाल इसीलिए। तो चलिए अभी चलते हैं।
टेलर के पास। तो फ्रेंड्स, हम टेलर से आ गए हैं और फाइनली मेरा ड्रेस मिल गया मेरे को। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। हम दुर्गा पूजा पहले ही दिए थे बट लाए नहीं थे, सिलाई हुआ नहीं था। हम ही मना किए थे उनको सिलाई दुर्गा पूजा में, मेरे को नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, थोड़ा बाद में ही दीजिएगा अगर आपका कुछ काम है तो इसलिए उनको अभी हो गया तो वो फ़ोन किए थे कि हो गया आपका ड्रेस ले लीजिए। तो वही हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसा ड्रेस है मेरा। तो ये रहा मेरा ड्रेस। पेंट सेम कलर है, मेरे को यही पसंद नहीं है, सेम कलर। तो पेट में बटन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा ड्रेस कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो पहन के हम फिर कभी आप लोगों को दिखाएंगे। ड्रेस सब रख के जा रहे हैं हम खाना बनाने के लिए, 8:15 हो गया है। तो चलिए खाना बना के आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं डिनर लेके आ गई हूँ, छत्तू रोटी और चोखा जो कि मैं अभी खा रही हूँ। और मेरा हस्बैंड का हम वेट कर रहे थे बट वो बोले कि हम खा के आएंगे, तो इसीलिए हम खा जा रहे हैं। सब छत्तू रोटी और चोखा लाए हैं, चटनी मिक्सचर क्योंकि आधा खत्म हो गया इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं, मिक्सचर भी खत्म हो गया है। आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।